छत्तीसगढ़ के गंगरेल बांध का दूर तक फैला पानी और इसके मुहाने पर खामोश और नामालूम सा एक गांव माकरदोना। इस गांव में रहने वाले अधिकांश वासी एक लंबे समय तक मुख्य धारा से कटे रहे, मगर अब जबकि यहां सड़क है, बिजली है और खास तौर पर कच्चे छप्पर नुमा मकान नहीं बल्कि नई तकनीक से बने पक्के मकान हैं। हाँ, पक्के मकान यहाँ के हितग्राहियों को हासिल हुए हैं भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कारण। ये महिला इसी गांव से है, नाम है सरस्वती। विवाह के कुछ साल बाद ही उसका पति टीबी की बीमारी के कारण चल बसा। अब सरस्वती अकेली है और साथ में है उसका छोटा बच्चा। अकेली विधवा ने खुद को जिंदा रखने के लिए जिंदगी की तमाम मुश्किलों का सामना किया, मगर अपने बेटे की पढ़ाई को कभी रुकने नहीं दिया। हमेशा इस बात की उम्मीद जगाए रखी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर उसे गरीबी के अंधेरे से बाहर निकालेगा। हाँ, दिलो दिमाग में एक हसरत हमेशा बनी रही कि काश उसका अपना पक्का घर होता, तब जिंदगी की राह आसान हो जाती। सरस्वती के सपने को पूरा किया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने, जिसके कारण उसका अपना पक्का घर बनकर तैयार हुआ। आप खुद देखिए, नए घर के कारण सरस्वती के चेहरे पर नई चमक है। घर बनकर तैयार हुआ है तो गृह प्रवेश के पहले दिन आस पड़ोस के लोग उसकी खुशी में शामिल होने आए हैं। जीवन का ये मोड़ सुखद है और यहीं से उसके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। चंद शब्दों में उसने अपना मकान मिलने की दास्तान को कुछ इस तरह बयान किया। 1,35,000 मिला घर बनाने के लिए, 60,000 मैंने अपना भी लगाया, पक्का घर बना है और अपन नौकरी वगैरह कमाई तो इसका जिंदगी सुधरेगा। 2014 में जब पुरानी आवास योजना की समीक्षा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने की, CAG के रिपोर्ट में परफॉर्मेंस ऑडिट में गलत चयन की चर्चा थी और गलत चयन ऐसे लोगों को घर मिलना जिनको नहीं मिलना चाहिए था, जो कि पात्र नहीं थे। तो इस बार हम लोगों ने ये पूरी कोशिश स्पेस टेक्नोलॉजी के उपयोग से, IT DBT के उपयोग से, सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर, ग्राम सभा के सत्यापन और वैलिडेशन से लगभग 100% यह सुनिश्चित किया है कि जो जेन्युइन हितग्राही है उन तक हमारा कार्यक्रम पहुंचे। गोपाल धमतरी के कुकरेल गांव का रहने वाला है। वो घर में हाथ से अगरबत्तियां बनाता है और उन्हें बेचकर जिंदगी की गाड़ी को खींचता है। ये उसकी खुशकिस्मती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कारण उसका अपना पक्का घर बनकर तैयार हो गया है। अभी तक वो टूटे कच्चे छोटे से घर में जिंदगी बसर करता रहा। उसे इस बात का एहसास तो था कि उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में है, मगर ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन सरकार के नुमाइंदे स्वयं उसके घर तक आएंगे और उसे आवास आवंटन की सूचना देंगे। घर के दरवाजे पर दस्तक देने वाले दो व्यक्तियों में से एक गांव के सरपंच थे और उनके साथ जो व्यक्ति था उसे सब आवास मित्र कहते थे। आवास मित्र ने उससे चंद एक सवालात किए और फिर उसे ये खुशखबरी सुनाई गई कि उसे अपना पक्का नया घर बनाने के लिए सरकार ने 1,20,000 रुपए देना मंजूर किया है, जो उसे नियमों के मुताबिक 3 किश्तों में मिलेंगे। शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे। साथ ही सामान्य क्षेत्र होने के कारण वहां आवास निर्माण के लिए 90 दिनों की मजदूरी मनरेगा के तहत दिए जाने का नियम है। आवास मित्र ने उसे समझाया कि आवास आवंटन के विषय पर होने वाली पंचायत की सभा में उसकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। गोपाल ने ये बात गांठ में बांध ली और पंचायत की बैठक वाले दिन वो अपने भाई को साथ लेकर समय पर वहां जा पहुंचा। आपके गांव में 159 जन के प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम आए हैं,
ओमें सबले पहली ये देखना है कि आपके कमार है भुंजिया है जेला हम मना विशेष पिछड़ी जनजाति बोलथन। दूसरा नंबर है बेघर परिवार जेकर पास में कुछ भी नहीं है। तीसरा नंबर है जेकर पास में जो निशक्त आदमी है जो दिव्यांग जेला बोलथन वो। तो एमे से ये प्रमुख रूप से ए मन अपने आप शामिल हो जाए चाहे वो एक कमरा वाले हो चाहे दो कमरा वाले हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमें जो हितग्राहियों के क्रम को निर्धारित करते हैं वो तो ACCC लिस्ट के अनुसार होती है, लेकिन उस क्रम में किसको ऊपर रखना है और किसे नीचे रखना है इसका निर्धारण कई सारे क्राइटेरिया पे होता है, और उस क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया उनका दिव्यांग होना भी होता है और उनको हम प्रायोरिटी में हमेशा ही ऊपर की तरफ रखते हैं। हितग्राहियों की सूची में अपना नाम देखने की उत्सुकता गोपाल को वहां तक ले गई। सूची में अपना नाम देखा तो चेहरे पर खुशी की लहर गहरी हो गई। और फिर एक बार जब घर बनना शुरू हुआ तो देखते ही देखते घर बनकर तैयार भी हो गया। जल्द ही वो शुभ दिन भी आया कि वो अपने भाई और भतीजी के साथ जरूरी सामान लेकर नए घर जा पहुंचा। नए घर में जिंदगी शुरू हुई तो घर के पीछे खाली स्थान पर जमीन तैयार कर उसमें सब्जियों के बीज बो दिए, और अब जबकि सब्जियां तैयार हैं तो मन अंदर तक खुश है। हाँ, अब उसे शौच के लिए खुले में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब नए घर में अपना स्वच्छ शौचालय जो है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का हितग्राही बनने के बाद उसने अपने ही नहीं भाई के परिवार के लिए भी भविष्य की एक नई नींव तैयार कर दी है। धमतरी से बस्तर की दिशा में जिला कांकेर पड़ता है। कांकेर जिला जो है वो 50% जो है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। इसमें गोंड जनजाति के लोग बहुलता से हैं और हलवा हैं और कुछ और जो ट्राइबल के जाति हैं वो हैं। जनरली जो अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं गोंड जनजाति के जो लोग हैं उन लोग वर्षों से अपने पुराने जगहों में निवास करते आए हैं। इनको आवास जैसे सेंक्शन इनका होता है तो ये जनरली इसको थोड़ा सा उनको नया जगह में शिफ्ट करने के लिए या नए जगह में उनको आवास बनाने में थोड़ा सा प्रेरित करना पड़ता है, लेकिन सब शहर तैयार हो जाते हैं। कांकेर की चरामा जनपद का एक छोटा सा गांव है सराधू नवा गांव, और इसी गांव में घर के नाम पर दो छोटी छोटी अंधेरी कोठरियों में तीन भाई अपने परिवार और माता पिता के साथ रह रहे हैं। घर के नाम पर ये छोटी सी जगह 15 लोगों को पनाह देती है। यहीं खाना बनेगा, यहीं उठना बैठना सोना है, और यहीं बच्चे पढ़ाई भी करेंगे। इतना ही नहीं, घर का खर्चा समोसे बनाकर उन्हें बेचने से चलता है, यानी समोसे बनाने का काम भी यहीं होता है। इस परिवार के लिए वो पल यादगार बन गया है जब उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची में अपने नाम की सूचना मिली और पूरी जानकारी के लिए पंचायत आने के लिए कहा गया। सूचना सही थी, आवास आवंटन की सूची में उनका नंबर आ गया था। खुशी की बात ये थी कि इस सूची में दो भाइयों के नाम थे, यानी दो भाई अपना पक्का घर बनाने के लिए नियमों के मुताबिक वित्तीय सहायता और अन्य लाभ हासिल करने के हकदार थे। चूंकि दोनों भाइयों के पास आवास के लिए भूमि भी नहीं थी, इसलिए उन्हें प्रशासन द्वारा भूमि भी उपलब्ध कराई गई। अब कहीं कोई अड़चन नहीं थी। दोनों भाइयों ने अपना अपना घर तैयार करने में रात दिन एक कर दिया। खाली समय पर उनकी पत्नियां भी उनका हाथ बटाती हैं। देखिए, काशीराम का घर लेंटर की ऊंचाई तक तो आ पहुंचा है। जियो टैग फोटो के अपलोड होते ही इन्हें बची हुई किश्त का रुपया मिल जाएगा। आइए जानते समझते हैं ये जियो टैग है क्या। जियो टैगिंग से एक ट्रेस करने के लिए है वो एक्चुअल में कि हितग्राही का मकान कहाँ बना है, और ये जो एक्चुअल में हितग्राही का मकान सेंक्शन तो हुआ है बट वो स्पॉट में बना है या नहीं बना है इसके लिए जियो टैगिंग ज़्यादा सार्थक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को डिजिटल उससे जोड़ने से सीधा सीधा पारदर्शिता आई है। इस स्कीम में स्वीकृति से लेकर हितग्राही के खाते में राशि जाने तक पूरा ऑनलाइन है। इसमें हमारा एक ऐप बना हुआ है आवास ऐप करके, उसी आवास ऐप में ही पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होना है।
धर्मेंद्र के मकान पर आज टेक्निकल सुपरवाइजर आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान बन रहे हैं उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आवास निर्माण के लिए सरकार पैसा तो दे ही रही है, साथ ही कदम कदम पर हितग्राही को तकनीकी सहायता भी मिल रही है। अगर वो अपनी पसंद का मकान बनाना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है, मगर आवास निर्माण के मापदंडों पर उसे पूरा उतरना ही होगा। जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रश्न है, इसमें हितग्राही स्वतंत्र रहे कि वो किस प्रकार का मकान बनाए। इसमें उसकी सहायता के लिए हम लोगों ने जरूर कुछ पहल की है और हमारी इस पहल का नाम ही पहल ही है। और हम लोगों ने 18 राज्यों में एक स्टडी कराई और ये स्टडी हम लोगों ने कराई UNDP के माध्यम से और IIT दिल्ली के माध्यम से। उन्होंने प्रत्येक राज्य के में आवास के हिसाब से क्षेत्रों को जोन के रूप में बांटा और उस जोन में उसकी भौगोलिक स्थिति, वहाँ के वातावरण, वहाँ के जो हाउस डिज़ाइन पुराने ज़माने से कैसे चले आ रहे हैं, स्थानीय रूप में क्या क्या मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल उपलब्ध हैं, जैसे पत्थर है या स्लेटी पत्थर है, तो इस सभी चीज़ों का उन्होंने ध्यान रखा और उसके आधार पे उन्होंने हाउस डिज़ाइन टाइपोलॉजीज बनाई जो उस क्षेत्र के अनुकूल हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों ने ऐसा भी किया है कि उन्होंने खुद की भी स्टडी कराई हुई है और उनके आधार पे उन्होंने एक बुके ऑफ डिज़ाइंस हितग्राहियों को दिया और हितग्राही की जो भी इच्छा होती है उसके अनुसार वो मकान का आवास का निर्माण कर लेता है। अब जबकि इस बड़े परिवार की उम्मीद हकीकत में बदलने जा रही है, ऐसे में इनके चेहरों पर हंसी मुस्कुराहट का नजर आना स्वाभाविक ही है। इनका आज अगर उम्मीदों से भरा है तो भविष्य यकीनन खूबसूरत है। यूं तो हर जिंदगी एक नई कहानी बयां करती है, मगर कुछ कहानियां इस कदर उलझी होती हैं कि यकीन कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। जिंदगी की कड़वी हकीकत को बयां करती एक दास्तान पंच बी की है, जो एक किन्नर है। बुरा ना घट ना घलता बड़ दुख भोगी हन, कहां कहां गली गली पूरा पानी में तकलीफ पाए पाए के हमन जीवन ल बिताहन साहब। तब कथन का कैसे ऐसे भटकन कैसे हो गए भगवान के कि सोचथन चे अभी तक सोचथन का कर वहाँ जाना वहाँ आना वहाँ जाना कहाँ दुख कहाँ सुख तो लगे छे साहब। बेलर गांव जिला धमतरी की मशहूर किन्नर पंच बी ने ये सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति अपने गुणों से सम्मान पा सकता है, फिर ईश्वर ने चाहे उसे जिस रूप में पैदा किया हो। पूरे जनपद के किसी भी घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो लोग पंच बी से आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पंच बी का नंबर आया तो सभी ने भरी पंचायत में अपनी खुशी जाहिर की। आवास आवंटन की कागजी कार्यवाही पूरी हुई तो बैंक ने फटाफट पंच बी को पहली किश्त का रुपया दे दिया और पूरे गांव ने पंच बी का घर बनाने में उसकी मदद की। लोगों के सहयोग से जो पंच बी ने बहुत ही कम समय में अपना जो अतिरिक्त पैसा लगा कर जो अपना अच्छा से मकान बना ली, क्योंकि इनको जो शासकीय अनुदान मात्र जो 1,35,000 रुपया ही मिला था, बाकी जो स्वयं के अपने खर्च व्यय से जो अच्छा से मकान बनाई है, ये लोगों के लिए प्रेरणादायक है। पंच बी किन्नर है तो क्या हुआ, उसकी भी अपनी निजी जिंदगी है। यही कारण है कि उसका भी जीवन साथी है। मौजूदा दौर में वो एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रही है और हर पल शुक्रगुजार है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, जिसने उसकी जिंदगी को गुजरे कल की अपेक्षा कहीं अधिक खूबसूरत बना दिया है। ये सही है कि आज भी पंच बी घर घर का दरवाजा खटखटाती है, लोगों के सुखी जीवन की दुआ मांगती है, सबको आशीर्वाद देती है। वो आज अपने मौजूदा हालात से पूरी तरह खुश है और फिर अब जबकि उसके सर पर अपनी पक्की छत है, एक सुंदर सा घर है, ऐसे में उसे इस बात की तसल्ली है कि अब शेष जीवन सुकून से कटेगा।
हम भी इंसान हैं तो इंसान देखे प्यार से, देखे प्यार से बात कर हिजरा जात से। अभी तक हमने जो भी बयां किया उसका सार यही है कि समाज के सबसे निचले तबके के वो तमाम गरीब और जरूरतमंद लोग जिनके लिए अपना पक्का घर एक जंग से कम नहीं होता, वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कारण न सिर्फ पक्का मकान हासिल कर पा रहे हैं, साथ ही ऐसे हर हितग्राही के दरवाजे के साथ दीवार पर लिखा होता है उसका अपना नाम, जो उसे अपना वजूद होने का एहसास कराने में पूरी तरह कामयाब साबित हुआ है।